गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू मस्ट बी गुड। आई एम वसीम, योर एसएसटी टीचर। सो एज यू नो, आई एम टीचिंग यू हिस्ट्री, राइट? दिस इज द फोर्थ चैप्टर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड आई टोल्ड यू मैनी थिंग रिगार्डिंग दिस चैप्टर, एंड आई सेड यू विल डू योर वर्क, राइट? सो एज आई टोल्ड यू अबाउट द पैराग्राफ, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, ये पूरा पैराग्राफ हमने यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीट कर दिया था, और नेशनल असेंबली के बारे में बताया था, राइट? अब हम बात करते हैं जो किंग्स हैं, किस तरीके से उनकी पावर को ख़त्म किया गया, उनको मार दिया गया था, ठीक है ना? अब इसके आगे क्या आता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। इन द कंट्री साइड र्यूमर्स, मीन्स क्या होता है, अफवाहें फैलाना, स्प्रेड फ्राम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैन और हेड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिंगेंट्स who were on their way to destroy their the ripe crops. So एक शहर में एक अफवाह, देहातों में अफवाह फैलने लगी, गाँवों में अफवाह फैलने लगी, जो मालिक हैं उनके जो ब्रिंगेंट्स, यहाँ पर बैंड्स ऑफ ब्रिंगेंट्स का मतलब है, जैसे होता ना कि किराए पर गुंडे बदमाश बुला लिए जाते हैं, वो आएंगे और पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे। डिस्ट्रॉय कहते हैं बर्बाद करने को, मतलब एक खबर ये भी फैलने लगी। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chetescu. They looted, hoarded grain and burned down documents containing record of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. So जब ये अफवाह फैली तो जितने भी किसान थे, जितने भी लोग थे वहाँ के, वो डर के मारे एकदम कहते हैं कि सडनली उन लोगों को जो था बहुत ज़्यादा, उन लोगों ने अपने क्या करा, जो कुदाल हो कहते हैं कुदाल को, पिचफोर्क का मतलब पिचकारी वगैरह, सब जो थी उन्होंने सबको इकट्ठा किया, सीज़ किया। करने के बाद किलों पर, चेटेस्की का मतलब होता है किले, जो गाँवों में कैस्टल बने होते ना, उनके जो किंग के और राजा के जो या नोबल मैन होते थे उनके ये वो एरियाज़ होते थे, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और क्योंकि जब राजा हैं, नोबल्स मैन हैं, उनके पास सामान भी बहुत होता था, उन्होंने उसको लूटना शुरू कर दिया। हॉर्डेड ग्रेन का मतलब होता है सारा सामान उन्होंने लूट लिया। द वन थिंग इज़ दैट ऑल्सो कि जो डॉक्यूमेंट्स थे मेनोरियल ड्यूज के, कि हाँ राजा के रिकॉर्ड होते थे कि इस किसान से इतना लेना है, इस किसान से इतना पेमेंट कराना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी चला दिए। फिर इसमें अब क्या करते हो, नोबल्स जो थे वो तो उनकी क्वांटिटी कम थी, वो लोग जो थे भाग गए, फ्लेड अवे फ्रॉम देयर होम, घरों से भाग गए। मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज, माइग्रेटिंग कहते हैं चले जाना, मूव करना, तो दूसरी कंट्रियों को जो थे बहुत सारे लोग चले गए। अब आती बात नेक्स्ट पैराग्राफ इसका, फेस विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब किंग के सामने बस एक ही ऑप्शन था कि वो इस नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करे, और उसने किया, उसके रूल माने, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसकी पावर को भी चेक किया जाएगा, उसने ऐसा भी माना। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास आर डिग्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। फिर नेशनल असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और बनाने के बाद जो फ्यूडल सिस्टम था, मैंने बताया था टैक्सेस वगैरह था, वो सारे ख़त्म कर दिए गए। मेम्बर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। अब जो क्लर्जी थे पहले फर्स्ट में ले जो थे उन लोगों को मजबूर किया, गिव अप करे छोड़ने को, कि जो उनके एक फैमिली में पैदा हुए तो उनको राइट्स मिलना होता है, उन्होंने कहा ये प्रिविलेज जितने भी सब चीज़ें हैं इनको आप छोड़ो, ख़त्म करो सब चीज़ों को। थाइथीज़ वर एबॉलिश, जो टैक्स था वो टैक्स ख़त्म कर दिया गया। लैंड ऑन बाय द चर्च वाज वर कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड का मीन्स होता है जब्त कर लेना। और
मतलब एक तरीके से जो टैक्सेस वगैरह थे वो ख़त्म करे, लैंड्स के ऊपर था ये जो चर्च के हाथ में था सब कुछ वो जब्त कर लिया गया। एज आ रिजल्ट रिजल्ट ये निकला द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवरे। गवर्नमेंट के पास कम से कम इतनी 2 बिलियन लीवरे हाथ में आ गई, इतनी ज़मीन इतनी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आ गई। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो राजा थे फिर उनको एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि अब नेशनल असेंबली बन गई और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है जो पावर है उसको माना। यहाँ पे एक डिग्री आया था एक वर्ड DECRW, इसका मतलब था हुक्मनामा। उन्होंने क्या मान लिया कि हाँ ठीक है हम इसको मान लेंगे, ऑर्डर को मान लेंगे। इस तरीके से फिर वहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट को एसेट मिल गई। एसेट का मतलब प्रॉपर्टी वगैरह धन दौलत सब कुछ मिलना शुरू हो गया, राइट। सो यहाँ तक तो सारा क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो। अब बात करते हैं हम पेज नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। इस पेज नंबर में हम क्या डिस्कस करेंगे अभी भी देख लेते हैं। अब द मेन थिंग इज़ दैट कि इस वाले पैराग्राफ में जो मेन चीज़ आएगी वो ये आएगी कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, फ्रांस में बनना शुरू हो गया। द नेशनल असेंबली कम्प्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। द नेशनल असेंबली थी वो तो पूरा अपना कमीशन मतलब कम्प्लीट कर चुकी थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बना चुकी थी, लेकिन इट्स एम वॉज ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। इसका मेन मोटिव ये था कि जो मोनार्क पूरी पावर में थे उनकी पावर को लिमिटेड कर दिया गया। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बींग कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन नाउ वर इज सेपरेटेड एंड असाइन टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अब जो था यहाँ पर पहले जो पावर रहती थी वो किसके पास रहती थी, राजा के हाथ में रहती थी एक पर्सन के पास। अब पावर को सेपरेट किया गया, अलग किया गया और जो थी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको दिया गया, जैसे द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल। इट मीन्स पावर को ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया गया। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे यहाँ भी यही ऑर्गन्स चलती हैं। लेजिस्लेचर कानून बनाया जाता है फिर उसको फॉलो करवाया जाता है, और जुडिशियरी जैसे कोर्ट न्यायालय होता है उसको बोला जाता है वो सारे उसको करवाता है, राइट। तो ये सारे चीज़ें बनाई गई, पावर इनके हाथ में है तीनों के। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। इस तरीके से फ्रांस जो था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। अभी सिस्टम वर्क कैसे किया इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। और ये एक पिक है, इसको आप देखिएगा संभाल के किस तरीके से यहाँ पर क्या है, जुडिशरी जज आ गए, एग्जीक्यूटिव ठीक है ना, पावर ये नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर ये सब इसको आप देखिएगा, और इसमें सिटीजन्स को भी दिखाया गया, राइट। ये आप इसको पूरे को पिक को देख लीजिएगा, क्लियर है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल टिल हियर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल लिसनिंग टू द ऑडियो एंड वीडियो। ओके, जब आप वीडियो देखें तो हर पैराग्राफ को रखते हुए चलिएगा क्योंकि बिना इसके काम नहीं चल सकता। अब आगे बात आती है कि फ्रांस का जो ये पैराग्राफ है ये वाला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन में जब बन चुका था 1791 में, फिर पावर को दे दिया गया कि अब जो पावर नेशनल असेंबली के पास आ गई और वो खाले कानून नेशनल असेंबली बनाएगी, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि उसको भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया गया था। अब एक मेन चीज़ ये आती है कि दैट इज सिटीजन्स वॉटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। इस तरीके से अब सिटीजन को राइट दिए गए, वो इलेक्टर्स को चुनेंगे और फिर एक असेंबली का सिलेक्शन होगा। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सारे सिटीजन को नहीं, ओनली अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबरर्स वेजेस वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। लेकिन इसमें भी एक शर्त लगा दी, जिनकी उम्र 25 साल हो और जो टैक्स पे करता हो कम से कम 3 दिन की मजदूरी उसको पे भी कर देता हो और वो एक्टिव सिटीजन में आते, दैट इज़ दे आवर एंटाइटल टू वोट। उनको वोट देने की राइट दिया गया, मतलब अभी भी पूरी तरीके से वोटिंग राइट नहीं। जैसे हमारी कंट्री के अंदर 18 से अबव हो जाओ, माइंड सही है आपका तो आपको वोट दे दिया जाता है डालने के लिए, लेकिन वहाँ पे अभी भी ये प्रॉब्लम थी, मतलब इट मीन्स कि वहाँ पे प्रॉब्लम थी। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, इनको बस खाली देखने के लिए। टू क्वालिफाई एन इलेक्टर्स एंड देन एज अ मेम्बर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाइएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर। अगर आपको नेशनल असेंबली का मेम्बर बनना है तो आपके जो है एक टैक्स पेयर होना चाहेंगे आप, राइट। इन्होंने एक ये इसमें लगा दिया।
अब नेक्स्ट ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं पैराग्राफ को। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, उसमें ये डिक्लेरेशन किया गया था कि इंसान को अधिकार मिलना चाहिए वोट डालने का, नागरिकों को। राइट सच इज़ द राइट टू लाइफ अंडरलाइन कर लिएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ इस्टेब्लिश एज अ नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स। तुमने कहा कि इसे बोलने की राय आज़ादी दे दी जाए, जीने का हक दे दिया जाए, ये पहला राइट होता है, और सब लोग बराबर हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ये नेचुरल इनके राइट्स हैं। दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, कुड नॉट बी टेकन अवे। उनका जो जन्म ले लेगा फ्रांस के अंदर, उसके जैसे बर्थ मिलेगा के अकॉर्डिंग राइट दे दिए जाएंगे। जैसे हमारा जन्म इंडिया के अंदर हो गया तो हमें एक तो यहाँ पे नाम मिल गया कि हाँ हम इंडिया के नागरिक हैं, हमारी 18 एज हो गई, वोट मिल गया, हमें जीने का अधिकार है, कोई हमसे नहीं ले सकता। इट वाज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द ईच सिटीजन नेचुरल राइट। अब ये जैसे हमारी गवर्नमेंट के अधिकार हैं, अगर आपका कोई राइट आपको नहीं दे रहा है वोट डालने का, आपको गलत बोल रहा है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो और कोर्ट हमें उसका न्याय दिलवाएगी। राइट इस तरीके से यहाँ पे भी सब किया गया, ये नेचुरल राइट्स दिलवाएगा। इसका क्वेश्चन लिख लिएगा, व्हाट आर द राइट्स गिवन इन फ्रांस ओके टू द सिटीज़न। तो ये आप इसके सारे राइट्स लिख लिएगा। क्लियर है? सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। टेल यू।